और उसे लिमिटेड राइट्स होते हैं, वो डाटा एक्सेस कर सकता है, सारे काम कर सकता है और बट वो यूजर क्रिएट नहीं कर सकता और भी बहुत सारे जो एडिट वर्क होते हैं वो नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो यूजर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन हो तो क्लिक राइट उसे ओपन ना कर पाए और हमारा डाटा ना देख पाए। तो इसके लिए फैक्ट्स पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके यूजर कितने बने हुए हैं। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पर जाएंगे और मैनेज पर जाने के बाद इसका ये कंप्यूटर खुल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे लोकल यूजर एंड ग्रुप पर और यूजर फोल्डर पर डबल क्लिक करके देखते हैं हमारे यूजर पर बने हुए हैं। तो एडमिन है और एक यूजर है। फ्रेंड जो ये एरो का निशान डाउन में आ रहा है ये सारे डिसेबल हो रखे हैं बट बने हुए हैं, मगर अभी ये एडमिन और यही काम कर रहे हैं। तो एडमिन तो अभी ओपन कर रखा है यूजर से और हम ये चाहते हैं कि जब यूजर ये वाला यूजर अपने पासवर्ड से लॉग इन हो तो हमारा वो डाटा ना देख पाए, डी ड्राइव खोल ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे रन आ जाएगा। तो ये रन ओपन हो गया है। विंडो प्लस आर बटन दबाने से क्या होता है, विंडो प्लस आर बटन दबाने से रन पहले तो ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, gpedit.msc ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको ड्रैग करके थोड़ा सा राइट कर लेते हैं और आपको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट के इस एरो पर। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा विंडो कंपोनेंट, फिर ये जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, इसके फिर आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। फ्रेंड्स यहाँ पे एरो पे क्लिक नहीं करना है इस बार, आपको आपको फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जो हमारी डी ड्राइव वो लिस्टिक हो जाए, यानी जब वो यूजर हमारा ड्राइव को खोल लेते हैं तो उसे लेना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माय कंप्यूटर, तो आपको क्या करना है इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिवेंट का रोक देगा वो, तो अनेबल कर देंगे इसको। इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद ये पूछता है कि आपको कौन सी ड्राइव अनेबल करनी है, आप चाहते हो सारी ड्राइव पर भी अनेबल करना कि कोई भी ना खुले तो आप कर देंगे लिस्टिंग ऑल ड्राइव, बट हम चाहते हैं डी ड्राइव। तो यहाँ पे देखो डी ड्राइव आ रहा है तो डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अनेबल हो चुका है और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो अब ये तो हमने एडमिन यूजर से लॉग इन कर रखा है, फिर भी हम इसे भी जब हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये लिस्टिंग बता रहा है दिस ऑपरेशन हैज कैंसिल्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटर दिस कॉन्टैक्ट हियर द एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर। तो फ्रेंड इसी तरह से जब वो यूजर अपने यूजर पासवर्ड से लॉग इन होगा तो वो भी ये खोल नहीं पाए। फ्रेंड्स बट आप ये चाहते हैं कि वो फिर दोबारा आप डिसेबल करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए भी सेम ही जाना है, विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे, gpedit.msc टाइप करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको ड्रैग कर देते हैं थोड़ा सा और आपको जाना है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पे एरो बटन पे जाना है दोबारा और विंडो कंपोनेंट के एरो पर क्लिक करना है और फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ से हमने उसे अनेबल किया था उसको डिसेबल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हाइड, ये तो हाइड करने के लिए है, इसके लिए भी हम बताएंगे आपको। इसके बाद बस और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माय कंप्यूटर, डबल क्लिक कर देंगे इसको और इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर देंगे। और नॉट कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं डू नॉट रिस्ट्रिक्ट ड्राइव, तो हम इसे नॉट कॉन्फ़िगर भी कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसको रिफ्रेश करके देख कर जब हम डी ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फ्रेंड इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि कोई भी डी ड्राइव को ओपन करिए दिखाई ना दे, अगर कोई दूसरा यूजर इसे ओपन करे मतलब कि कंप्यूटर में उसको डी ड्राइव दिखाई ना दे या हमें भी डी ड्राइव दिखाई ना दे, हम इसको हाइड करना चाहते हैं। तो हाइड करने के लिए सेम प्रोसेस है, विंडो आर जीपी एडिट और जिस तरह से खुलेगा इसमें आपको जाना है उसी लोकेशन पर जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट पे जाना है,
विंडो कंपोनेंट पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा फाइल एक्सप्लोर। तो फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है हाइड, हाइड दिस ड्राइव स्पेसिफाइड ड्राइव इन माय कंप्यूटर। तो हम हाइड करना चाहते हैं यानी छुपाना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और इस बार इसे अनेबल करने के बाद कौन सी ड्राइव हाइड करना चाहते हैं, डी ड्राइव। अगर आपको सारी ड्राइव हाइड करनी है तो डिस्ट्रिक्ट और ड्राइव कर देंगे, बट हम डी ड्राइव को करना चाहते हैं तो डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इसे क्लोज करके देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि डी ड्राइव दिख रही है नहीं दिख रही है, तो माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डी ड्राइव यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो अपने डाटा को अपने डाटा की प्राइवेसी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह के वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।